www.thebrainsolutions.com. सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। सो आज मैं आ गया हूँ चांदनी चौक दिल्ली के अंदर। आज मुझे कुछ अपने कैमरे के लिए ट्राईपोड्स वगैरह कुछ एक्सेसरीज लेनी है, तो अभी देखते हैं, हम चांदनी चौक मार्केट में जाएंगे, कैमरा मार्केट में, और देखते हैं ट्राईपोड्स वगैरह कितने के क्या हैं। तो लेट्स वॉच माई व्लॉग टिल द एंड और आपको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या क्या और मिल सकता है। तो लेट्स गेट। सो गाइस, मैं मेट्रो से बाहर आ चुका हूँ और प्रॉपर चांदनी चौक में मैं खड़ा हूँ। और एक तो दिल्ली में मास्क लगाना अलाउड है, तो मैं मास्क नहीं उतार सकता हूँ। सो अभी यहाँ पे इन्होंने काफ़ी चेंजेस मतलब कर दिए हैं। मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब ऑलमोस्ट आफ्टर वन ईयर मैं चांदनी चौक के अंदर आया हूँ, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी चेंजेस हैं। ये रोड इन्होंने इस तरह से बना दिए पूरे लाल किला से लेकर यहाँ तक, और ये बहुत ही अच्छी है। इसमें जाम भी नहीं लगता और इतना मतलब ट्रैफिक का भी कोई सोर्स है ही नहीं कहीं से भी, तो बहुत ही सॉर्टेड हो चुका है। तो दैट्स नाइस। और मेरे बिल्कुल सामने जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल सीधा अगर हमने जाता हूँ तो बिल्कुल रेड फोर्ट पड़ता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं सामने रेड फोर्ट है और हमारा देश का झंडा वहाँ पे लहरा रहा है। तो गाइज, ये है शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक का सबसे पुराना गुरुद्वारा और सबसे फेमस गुरुद्वारा। अगर आप दिल्ली आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करना। तो गाइज, ये है शीशगंज गुरुद्वारा, चांदनी चौक का सबसे पुराना गुरुद्वारा। बंगला साहिब के बाद यहाँ पे भी काफ़ी लोग आते हैं। बंगला साहिब तो फेमस है ही, लेकिन चांदनी चौक का शीशगंज गुरुद्वारा भी काफ़ी फेमस है। यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आना, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो गुरुद्वारे ज़रूर आता हूँ। तो हम चलते हैं मार्केट की ओर। तो भाई, जब आप मेट्रो से यहाँ पे उतरेंगे चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन, तो आपको सेम रोड पे ही सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और चांदनी चौक मार्केट तो आपको मिलेगी होलसेल मार्केट, जहाँ पे आपको सूट साड़ी कपड़े ये सब आपको होलसेल में मिल जाएंगे। और यहाँ के सबसे फेमस मार्केट है सारी, जिसकी भी शादी वगैरह की जो लोगों की शॉपिंग्स होती है वो लोग यहीं आके करते हैं। और सबसे मेन बात, यहाँ पर पराठे वाली गली भी इसी रोड पर है, और यहाँ से अगर आप जाते हैं खारी बावली, वहाँ पे आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा, राशन का सारा सामान होलसेल में मिल जाएगा। और सदर बाज़ार भी यहाँ से ज़्यादा नियर बाई है, आप वॉकिंग डिस्टेंस पे या आप सब कुछ यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप सब कुछ जा सकते हैं। आप रिक्शा वगैरह ना ही करें, घूमते फिरते निकल जाए, क्योंकि रोड बहुत अच्छी बन चुकी है। तो यहाँ पर काफ़ी आप इन्जॉय कर सकते हैं। सुबह आइए, आप रात को घर जाइए। मेरे जस्ट पीछे है फोटो मार्केट। चांदनी चौक की जो कैमरा मार्केट है वो यही है मेन मार्केट जो है, और इसके नाम से बोलते हैं फोटो मार्केट। फोटो मार्केट के नाम से है ये। छोटी सी बिल्कुल गली है। आप स्टेट बैंक ऑफ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देख सकते हैं, छोटी सी गली है, और इसके अंदर पूरी की पूरी कैमरा मार्केट है, एसेसरीज मार्केट है। आपको यहाँ पे सारी कैमराज, ट्राइपॉड्स वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब जो मुझे लेना वो मैं देखता हूँ। यहाँ से कैमरा मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और सारी शॉप्स आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी दोनों साइड पे। मेमोरी कार्ड्स वगैरह, लाइट्स वगैरह, रिंग लाइट्स, ट्राइपॉड, सारी चीज़ें आपको इस मार्केट पर आराम से इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पुराने कैमरेज भी मिल जाएंगे, कैमरा भी पुराना मिल जाएगा, सेकेंड हैंड कैमरा आप यहाँ से ले सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज हो कैमरे की तो ही आप यहाँ पर आना, अदरवाइज़ यहाँ से मत लेना, मैं सजेस्ट नहीं करता। बाकी यहाँ पे आपको GoPro नए भी मिल जाते हैं, कैमरे नए कैमरे भी मिल जाते हैं, GoPro वगैरह भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। लेंसेज हर टाइप के मिल जाएंगे, प्रॉपर बैग्स मिल जाएंगे, हर चीज़ मिल जाएगी। तो अभी मुझे एक ट्राईपोड चाहिए छोटा, तो लेट्स फाइंड आउट द ट्राईपोड। अभी मुझे एक ट्राईपोड यहाँ पे दिख रहा है, देखिए छोटा सा है, काफ़ी ठीक लग रहा है और हैंडी दिख रहा है। एक मुझे ये दिख रहा है, इसको गोरिल्ला ट्राइपॉड बोलते हैं। नहीं, इसको नहीं बोलते गोरिल्ला, गोरिल्ला ट्राइपॉड ही बोलते हैं। वो वाला होता है ना,
इसको भी गोरिल्ला ही ट्राई करो। ओके बस शेप अलग है, होता ये भी गोरिल्ला ट्राई करो, देखने में भी अच्छा लगता है ना। और इसमें बॉल भी दे रखी है जो घूम जाती है और काफ़ी हैंगी और ये मोड़ भी जाता है, इसको ईजिली कर सकते हैं, तो ये मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा है। इसका रेट एक बार बता देते हैं, 300 रुपये का बता रहे हैं, तो मुझे ये महंगा लग रहा है, 300 रुपये का है नहीं, ऑनलाइन भी ये इतने का ही है, 300 रुपये का। तो एक दुकान और देखते हैं फिर पता करते हैं। करीब फोटो स्टोर के जिस सामने एक गली है, यहाँ पर आके मैंने एक पहले ट्राईपॉड लिया था, मेरे अंकल ने काफ़ी अच्छा दिया था और सस्ता दिया था, तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास से ही अंदर मार्केट में काफ़ी सारा सामान जा रहा है, तो एक बार उनसे पता कर लेते हैं अगर पूरा ट्राईपॉड यहाँ से एक ही ट्राईपॉड है और ऐसे में भी आता और एक वो ब्लैक कलर का आता भी गाइज। अभी और तो कुछ ज़्यादा कुछ मिला नहीं, मुझे ये मिल गया, तो ये काफ़ी मुझे हैंडी लगा और मुझे रेट भी यहाँ ठीक मिल गया। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगा था लेकिन यहाँ पे मुझे ये 300 रुपीज़ का मिल गया विद मास्क, तो ऑनलाइन तो ये अराउंड मेरे ख्याल से 500 या 600 रुपये का था लेकिन बिल्कुल हाफ हो गया। तो मार्केट काफ़ी अच्छी है, बाकी आप लोग यहाँ से कैमरे की और GoPro की और कोई भी एसेसरीज यहाँ से ले सकते हैं, और ट्राईपॉड हर टाइप का ट्राईपॉड छोटे से छोटा बड़े से बड़ा ट्राईपॉड यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको यहाँ विज़िट ज़रूर करना चाहिए फोटो मार्केट। ट्राईपॉड तो ले लिया पर मैं और पेट पूजा ना करूँ तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, तो मैं आ गया हूँ पराठे वाली गली एट चांदनी चौक। तो यहाँ मैंने 2 पराठे ले लिए क्योंकि 2 पराठे लेना मिनिमम यहाँ पे है, एक मैंने ले लिया मिक्स पराठा, एक ले लिया मैंने पनीर पराठा, और इन्होंने 4 टाइप की सब्ज़ी दे दी जिसमें से 2 सब्ज़ी तो आलू की भी है, एक घी की दे दी, एक इन्होंने ये कुछ नई टाइप की चटनी टाइप दे दी है। तो अभी मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसा है। मुझे टेस्ट तो नहीं आया, मुझे इतनी जल्दी खाना कहीं का पसंद नहीं आता। दिस इज द ओल्डेस्ट ब्रिज एट दिल्ली, इसको हिंदी बोलते हैं लोहे वाला ब्रिज, लोहे वाला पुल, और अभी इसके साइड में एक नया पुल बन रहा है लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो चुका है लेकिन अभी तो बना नहीं है, देखो लेट्स सी कब तक बनता है। बाकी इस पुल को 100 साल से ऊपर हो चुके हैं और इसकी 100 साल की लीज थी, 100 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है, काम हुआ है इसके ऊपर थोड़ा, बाकी ये पुल अभी तक मजबूत है। ये आप देख सकते हैं साइड में एक और पुल बन रहा है लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा, वैसे काम चल रहा है इसमें। सो गाइज अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं और मैंने वहाँ से एक ही मास्क भी लिया है, और मेट्रो की लाइन बहुत ज़्यादा लंबी थी तो मेट्रो से आना तो इम्पॉसिबल था और लेट भी हो रहा था, तो आई हैव टू ऑटो और अभी ऑटो में बैठ चुके हैं तो हम चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और बट मुझे एक कमेंट में बताओ ये मास्क मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, मैंने मास्क